थक जा रहा हूँ भाई पहाड़ों पे चढ़ते चढ़ते। तो गाइस यहाँ पे जो टैक्सी अपनी आ चुकी है आप देख सकते हैं HRTC की, बस इसी टैक्सी पे हमें जाना है। ये देखो यहाँ पे लूट मार हो रहे हैं पूरे। कहाँ जा रहा है ये? और ये है 108 फीट की हनुमान जी की मूर्ति। हेलो गाइस और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जाखू टेंपल के लिए निकला था और जाखू टेंपल जाते टाइम हम क्राइस्ट चर्च और कैथोलिक चर्च भी विजिट किए थे, जबकि क्राइस्ट चर्च हमें बंद मिला था और हमने कैथोलिक चर्च आप लोगों को घुमाया था। तो अभी मैं आ चुका हूँ जाखू टेंपल के पास और अब वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। जाखू टेंपल अगर आप जाना चाहते हैं ना तो यहाँ से आपको रोपवे से भी आप जा सकते हैं। ये देखिए ये रोपवे का ये ऑफिस है, नीचे में टिकट मिलता है वो आप देख सकते हैं। रोपवे दो रोपवे आपको दिख रहा होगा सेंटर में, तो आप रोपवे से भी जा सकते हैं। 550 रुपीज़ कॉस्ट है वहाँ तक जाने का। वो देखिए टेंपल है हनुमान जी का, 108 फीट वो टॉल हनुमान जी का वो मूर्ति है। तो रोपवे से आए तो आप रोपवे से भी जा सकते हैं। हम लोग रोपवे से नहीं जा रहे हैं, हम लोग यहाँ से कैब भी चलती है, HRTC की कैब है, हिमाचल रोडवेज की कैब भी जाती है जो कि टॉप पे आपको पहुँचाती है। तो आप कैब भी ले सकते हैं, वो थोड़ा आपको कम कॉस्ट पड़ेगी। क्या कॉस्ट पड़ेगी वो तो आपको मैं बाद में बताऊँगा। और या तो आप फिर पैदल भी जा सकते हैं। पैदल जाने का कौन सा रास्ता है? ओके अभी हम दिखाएंगे जाएंगे तो। पैदल जाने के लिए इधर से रास्ता है। ओके तो अगर हम लोग अभी पैदल जाते हैं तो हम भी आपको मैं दिखाऊंगा। टैक्सी से जाते हैं तो फिर वो भी आपको मैं बताऊंगा कितना फेयर होता है। तो ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। तो अभी फिलहाल यहाँ पे टैक्सी का वेट कर रहे हैं। आधा घंटा से 45 मिनट का टाइम लगता है आने में, तो जब ऊपर से फुल होगी तभी वो नीचे आएगी। और रास्ता उधर है, उधर से आती है वो जो आपको रोड दिख रहा है सामने में। तो वेट कर रहे हैं, देखते हैं कितने देर में आती है टैक्सी। हम लोग को 20 मिनट हो चुका है वेट करते हुए ऑलरेडी। तो गाइज यहाँ पे जो टैक्सी अपनी आ चुकी है आप देख सकते हैं HRTC की, बस इसी टैक्सी पे हमें जाना है। ये देखो यहाँ पे लूट मार हो रहे हैं पूरे। कहाँ जा रहा है ये? और ये आप देख सकते हैं हम लोग को दौड़ना पड़ रहा है उस टैक्सी के पीछे। उतरे तो वहाँ बैठा लेगा तो वो टैक्सी तो उधर चल गई, बट हमें इन्फॉर्मेशन मिला है कि टैक्सी वापस से इस जगह पे आएगी, तो वापस हम लोग यहीं पे आ जाते हैं। अगर वहाँ पे फुल कर लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आधे घंटे से हम लोग वेट कर रहे थे तब जा कर के टैक्सी आई है, आ रहा है। और ये अपना मैकडॉनल्ड्स। फाइनली हमें टैक्सी तो मिल गई है, बट भीड़ आप देख सकते हो कंजेस्टेड है भाई बहुत ज़्यादा। तो फाइनली अब हम निकल चुके हैं जाखू टेंपल के लिए HRTC की कैब से। अगर आप HRTC की कैब से जाते हैं तो आपको पर पर्सन 20 रुपीज़ का कॉस्ट पड़ता है, और अगर आप प्राइवेट टैक्सी लेते हैं तो आपको 350 to 450 का आपको कॉस्ट पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है अगर आप कंपेयर करें 20 रुपीज़ से। तो केबल कार से भी आप जा सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि उसमें आपको 500 रुपीज़ लगता है पर पर्सन। जाखू टेंपल जो है वो शिमला का जो मेन सिटी है, जैसे कि माल रोड ये आपका मेन सिटी है, तो यहाँ से आपको 2 किलोमीटर्स आपको पड़ जाता है अप्रॉक्स। तो ये आप देख सकते हैं कितने टेढ़े मेरे रास्तों से होते हुए हम लोग जो हैं जाखू टेंपल के लिए जा रहे हैं। बहुत ही पतला सा रोड था और इसी में ये लोग जो ड्राइवर होते हैं बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं। आप देख सकते हैं कितना कर्व रोड है, और ये जो ड्राइवर रहते हैं ये बिल्कुल एक्सपर्ट रहते हैं, जिन्हें शिमला की गवर्नमेंट की तरफ से असाइन किया जाता है। तो गाइज यहाँ पे जाम लग गया है पहाड़ों पे, और आगे रास्ते मोड़ने का कुछ है नहीं। एक तो रोड आप देख रहे हैं, तो हमें टैक्सी वाले ने उधर ही वहीं पे उतार दिया, वो वहाँ से बैक यू टर्न ले लेगा वापस से। और यहाँ से जो जाखू टेंपल है वो कुछ ही दूरी पे है, ज़्यादा दूरी नहीं होगा, 200 मीटर होगा मुझे, तो यहाँ से हम लोग को पैदल जाना पड़ रहा है। और ये आप देख सकते हैं रोड कितना गजब का ही है। देखो थक जा रहा हूँ भाई पहाड़ों पे चढ़ते चढ़ते। पैरों की हालत खराब हो चुकी है भाई,
बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे टैक्सियों की जाम लग चुकी है, इसलिए मैं टैक्सी वालों ने पीछे ही उतार दिया था। और ये आ चुका है जाकुब मंदिर, ये यहाँ सीढ़ियों से आप सीधा ऊपर जा सकते हैं। सीढ़ियों पे भी जाम लगे हुए हैं, खतरनाक सी सीढ़ियाँ हैं भाई। ये रहा हनुमान मंदिर, इन सीढ़ियों से ऊपर आए थे अभी हम लोग। और ये रास्ता भी आप देख रहे हैं ना, ये रास्ता से आता है, माल रोड से आता है, ये माल रोड से डायरेक्टली जो है जाकू मंदिर आता है। रास्तों से आप पैदल आ सकते हैं, मतलब सीढ़ियों के थ्रू आप आ सकते हैं, अगर आपको टैक्सी या रोपवे के थ्रू नहीं आना है तो आधे घंटे लगते हैं मिनिमम। थक गया हूँ गाइस पूरी तरह से। यहाँ घूमने से ज़्यादा सीढ़ियाँ ऐसी, सीढ़ियाँ चढ़ते रहो और पहाड़ों पे चढ़ते रहो। ये रहा प्लेग्राउंड बच्चों लोग का, ये रहा मंदिर का टॉप, और ये है 108 फीट की हनुमान जी की मूर्ति। व्यू भाई यहाँ से बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। ये देवदार के पेड़ और उसके बीच में हनुमान जी। यह विशाल मूर्ति 2010 में 1.5 करोड़ की लागत से बनाई गई थी। जाखू भगवान हनुमान की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के लिए भी प्रसिद्ध है। इसका इनॉग्रेशन बॉलीवुड के अभिनेता अभिषेक बच्चन द्वारा वर्ष 2010 में किया गया था। शिमला में विशाल आकार की हनुमान प्रतिमा को दूर से देखा जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है। आज है 1 जनवरी 2023 और ये भीड़ है देखिए। तो ये तो थे 108 फीट के हनुमान जी। अब जो मेन मंदिर है यहाँ पे वो इधर है, यहाँ से आपको मेन मंदिर जाने का रास्ता है। तो इसलिए मेन मंदिर चलते हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या कुछ है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए बिल्कुल लाइन लगा है लंबा वहाँ से। यहाँ पे जूते रखने के लिए जगह भी है, ये आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे सुरक्षित जूता ये सब यहाँ पे आप रख सकते हैं और आराम से लाइन लगिए और दर्शन कीजिए। और भंडारा यहाँ पे होता है जो कि संडे को होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लाइन लगा हुआ है बिल्कुल भंडारे के लिए। भंडारे में प्रसाद खाने का कोई इरादा नहीं है अभी फिलहाल, दर्शन करूँगा देन आप यहाँ से निकलेंगे। लाइन भी बहुत लंबी है। सामने आप देख सकते हैं मंदिर का ये मेन गेट है और ये यहाँ पे पार्क, छोटा सा पार्क। अगर आप थक चुके हैं सीढ़ियाँ चढ़ के तो आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइन लग चुके हैं मंदिर में दर्शन के लिए, लंबी सी लाइन। दर्शन था वो ऑलरेडी हमने कर लिया है। और ये कुछ प्रसाद, ये आप गीता ये दे रही हैं क्या? हाँ जी हाँ जी, सॉरी सॉरी, लेके जाइए आप भी न्यू ईयर गिफ्ट और साथ में गीता जयंती के उपलक्ष्य में। अच्छा।
तो कितने का ही प्राइस? ये 220 का है, 200 में दे रहे हैं, आज लास्ट डे है। इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अच्छा अच्छा, जो पूरी इंटरनेशनल है ये। अच्छा। हिंदी में इसको कृष्णा भवामृत संघ बोलते हैं, तो उसके लिए अभी ये गीता जयंती के उपलक्ष्य में ये एक महीने का लगता है ये। अच्छा। तो इसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम लोग। ओके। तो आज लास्ट डे है इसका, और न्यू ईयर भी है। हाँ। इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। मुझे एक्चुअली ये लेना था, मैं ढूंढ रहा था। ढूंढ रहे थे, देख लो है ना। आप ऑनलाइन भी जुड़ना चाहते हैं क्या? ऑनलाइन तो फिलहाल अभी नहीं। नहीं, चलो ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा एंड हैप्पी न्यू ईयर। यस, सेम टू यू मैम। हां, थैंक यू सो मच। कान्हा जी ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। दिखा दे रसीद ही दिखा। तो दर्शन हो चुके हैं ऑलरेडी, और मुझे बुक लेना था, मैंने बुक भी ले लिया भागवत गीता। और अभी चल रहे हैं हम लोग रोप वे की तरफ, और ये भाई लोग है अपना आया हुआ है। हेलो भैया। अगर आप लोग रोप वे से आते हैं तो आप लोग को इसी जगह उतारा जाएगा, यहाँ से आप लोग इस रास्ते से डायरेक्टली मंदिर की तरफ जा सकते हैं, जो आप पीछे देख रहे हैं मंदिर, वहाँ तक आप जा सकते हैं इस रास्ते से रोप वे से उतर के। तो ये है कुछ आपको जो भी यहाँ आने का जो भी साधन था, ये सारा कुछ आपको मैंने बता दिया। तो ये था कुछ भाई जाखू टेंपल का व्यू, और कैसे आप यहाँ पे आ सकते हैं वो सारा कुछ मैंने आपको दिखाया, आपको मैंने दर्शन कराया। ये आदित्य जा रहे हैं रोपवे में, जाखू रोपवे है, बाकी बहुत एडवेंचरस वो है एक प्लेस। अभी यहाँ से आपको सीन दिखेगा भाई। लिफ्ट से नीचे चलना, और ये कुछ नज़ारा। रोपवे के थ्रू हम लोग जो हैं ये टॉप फ्लोर पे, हम 12th फ्लोर पे एकदम रोपवे का बनाया गया है, वहाँ से आप लिफ्ट के थ्रू नीचे आ सकते हैं। और ये रहा रोपवे का काउंटर, यहाँ से टिकट लेके आप जा सकते हैं ऊपर। रोपवे के थ्रू अपन लोग नीचे आ चुके हैं ऑलरेडी, अब जो है यहाँ से थोड़ा बाहर निकल रहे हैं, बाहर जा कर बैठते हैं कहीं। मेरा जो फ्रेंड लोग है वो पैदल आ रहा है, मैं रोपवे के थ्रू आया हूँ नीचे। भाई ये था कुछ जाखू टेंपल का व्यू जो कि मैंने आपको दिखा दिया, जाखू टेंपल में मैंने आपको दर्शन भी करा दिए। तो अब इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भाई बहुत मेहनत करके, बहुत पहाड़ों पे चढ़ाई करके आप लोग के लिए शिमला का ये ब्लॉग ला रहा हूँ मैं। तब तक इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड जय हिंद। Thank you.